पहले जेब में रखा हो बटुआ तो जेब कटने का डर रहता था, अब इस डर की जगह यूपीआई ने ले ली है, क्योंकि पॉकेट मार अब डिजिटल जो हो गए हैं। ऑनलाइन पेमेंट ने कैशलेस लेन देन को आसान तो बना दिया है, लेकिन इसने ऑनलाइन फ्रॉड को भी बढ़ा दिया है। यूपीआई पेमेंट धोखाधड़ी इन दिनों एक आम बात हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनसे बचा नहीं जा सकता। अगर हम यूपीआई से पेमेंट करते वक्त थोड़ा सावधान रहें तो धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। इसलिए आज काम की खबर में हम आपको ऐसी 5 बातें बताएंगे जिनसे आप अपने यूपीआई पेमेंट को सुरक्षित बना सकते हैं। पहली बात, यूपीआई और यूपीआई पिन शेयर कभी ना करें। अक्सर देखा गया है कि लोगों से बैंक के नाम पर फ्रॉड किया जाता है, लेकिन आपको बता दें, बैंक या कोई भी अन्य सरकारी संस्थान कभी भी आपसे यूपीआई और यूपीआई पिन नहीं पूछते हैं। देखा जाता है कि फ्रॉड करने वाले लोग केवाईसी या आपके अकाउंट के अपडेशन के नाम पर आपसे यूपीआई से जुड़ी जानकारी मांगते हैं। ऐसे में इस तरह के फोन कॉल्स या मैसेजेस से आपको सावधान रहना है और अपने यूपीआई से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी के भी साथ शेयर कभी नहीं करनी है। दूसरी बात, मोबाइल या लैपटॉप का एक्सेस किसी को ना दें। अक्सर देखा गया है कि ठगी करने वाले आपके बैंक अकाउंट में केवाईसी के नाम पर आपके मोबाइल फोन या फिर आपके कंप्यूटर का एक्सेस लेना चाहते हैं, तो जरा संभल जाएं। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपका अकाउंट खाली भी हो सकता है, क्योंकि ये भी ऑनलाइन फ्रॉड करने का एक नया जरिया बन गया है। इसलिए मोबाइल या लैपटॉप का एक्सेस कस्टमर केयर सेंटर के नाम पर भी किसी को देने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, फर्जी साइट से हमेशा सावधान रहें। कई बार देखा जाता है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन के जरिए सिर्फ 1 रुपए ट्रांजेक्शन करने के मैसेज आपको ऐसी वेबसाइट से आते हैं। यहां वास्तव में आपसे 1 रुपए लेकर आपको 2 रुपए वापस भी भेज दिए जाते हैं और उसके जरिए आपका यूपीआई पिन हासिल करने की कोशिश की जाती है। एक बार उनके पास अगर आपका पिन चला गया तो वे तुरंत आपके खाते से पैसे साफ कर लेते हैं। इसलिए सावधान रहें, ऐसी वेबसाइट्स पर लेन देन कभी ना करें जो आपको रिवॉर्ड या पैसे का लालच दे रहे हो। किसी भी लेन देन को शुरू करने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित कर लें कि यूपीआई सही खाता धारक से जुड़ा हुआ हो, ऐसे ही किसी के साथ लेन देन ना करें। चौथी बात, यूपीआई पिन चेंज करते रहें। सबसे जरूरी बात है ये। अक्सर लोग आलस में अपने पुराने या पहली बार सेट किए गए पिन को काफी लंबे समय तक बदलते ही नहीं है, उसे ही इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि आपको ये हर महीने करना चाहिए, अपने यूपीआई पिन को बदलते रहना चाहिए। अगर आप हर महीने नहीं भी कर सकते तो कम से कम हर तिमाही में यानी हर 3 महीने में यूपीआई पिन को एक बार जरूर बदल लें। ऐसा करना आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने में आपकी ही मदद करेगा। पांचवी और आखिरी बात, यूपीआई की एक लिमिट सेट करके रखें। जब जेब में बटुआ हुआ करता था ना, तब जेब से पैसे खर्च होने का एक हिसाब लोगों के पास रहा करता था, लेकिन जब से ये यूपीआई आया है, पेमेंट्स का सिस्टम डिजिटल हुआ है, लोगों को पता ही नहीं है कि पैसा कहां कितना खर्च हो रहा है, और इस चक्कर में कई बार वो फ्रॉड के शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए किसी बड़े फ्रॉड या फालतू के खर्च से बचने के लिए आप आज ही सबसे पहला काम ये करें कि अपने यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए डेली लिमिट को सेट कर दें। यानी अगर आप 1000 की लिमिट सेट करते हैं तो एक दिन में आप यूपीआई के जरिए इससे ज्यादा की शॉपिंग या फंड ट्रांसफर कर ही नहीं सकेंगे। इससे फ्रॉड होने की खतरे भी बच जाएंगे और आप किसी बड़े नुकसान से भी बच जाएंगे, और जाहिर है आपकी सेविंग भी रहेगी, पैसा फालतू भी नहीं खर्च होगा। उम्मीद है आज की ये काम की खबर की रिपोर्ट आपके काम आए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।